यकुम अप्रैल से चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा खाली है। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाकर फौरी इंतखाब कराया जाए। हमजा शहबाज आज लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त की कॉपी समा ने हासिल कर ली। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। पुलिस की इजाफी नफरी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार। कौमी असेंबली बहाल करने का हुक्म। असेंबली तहलील करने और नए इंतखाबात का हुक्म भी कालादम। हफ्ते को असेंबली का इजलास बुलाने की हिदायत। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौखर नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की कामयाबी पर फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी हलका बंदियों और इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। आज शाम कौम से खिताब का ऐलान। वफाकी काबीना और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालत के फैसले से मुल्क का आइन बच गया, पार्लियामेंट मजबूत हो गई। हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन न्याजी नैब गठजोड़ खत्म करके रहेंगे। आसिफ जरदारी बोले, जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। और पीटीआई हुकूमत की बुरी पॉलिसियों की वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हुआ, सियासी जमातें मुल्क को माशी बदहाली से निकालें। एमक्यूएम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में आज आयशा मंजिल से रैली निकालने का ऐलान। उनकी जमात ने जिद करते हुए पूरी कौमी असेंबली को तोड़ने का आईन मुखालिफ फैसला किया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर दे मारा। आज पूरे मुल्क के आईन परस्तों के साथ साथ हक परस्त भी सुरखुरू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महरुख शहरियार। फिल वक्त सिर्फ हेडलाइंस। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम खबर हार। देखते रहिए समा।